बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस, भट्टी एजुकेशन चैनल की तरफ से खुश आमदीद, मुबारक, बहुत बहुत मुबारक। सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर की मौजें हो गई। फिनांस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने आखिरकार नोटिफिकेशन जारी कर दिया है स्केल नंबर 1 से 16 तक के 35% और स्केल नंबर 17 से 22 को 30% और पेंशनर को 17.5% पेंशन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, वो भी रनिंग बेसिक स्केल पर। तो डियर नाजरीन, पूरी तफसील आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, नोटिफिकेशन भी आपको दिखाऊंगा। अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो वो भी आपको पूरी तफसील बताता हूँ। चलते हैं वीडियो की तफसील की तरफ, लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब का रेड बटन आपके बिल्कुल सामने है और उसके साथ बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। डियर नाजरीन, गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब फिनांस डिपार्टमेंट की तरफ से 8 अगस्त 2023 को ये नोटिफिकेशन आपके सामने है, ये जारी किया गया है। ग्रांट ऑफ एडहॉक रिलीफ अलाउंस 2023 35% ऑफ बेसिक पे एज ऑन 30/6/2023 टू द सिविल सर्वेंट्स ऑफ पंजाब गवर्नमेंट इन बेसिक स्केल 1 टू बेसिक स्केल 16 एंड 30% ऑफ बेसिक पे एज ऑन 30/6/2023 टू द सिविल सर्वेंट्स बेसिक स्केल 17 टू बेसिक स्केल 22। जिस तरह उन्वान से जाहिर है, आपको पता है कि 35% का बेसिक पे जो है 30 जून 2023 वाले यानी रनिंग बेसिक पे पर ये दिया गया है तमाम पंजाब भर के सिविल सर्वेंट्स और गवर्नमेंट जो मुलाजमीन हैं, और इसी तरह स्केल नंबर 17 से 22 तक के जो मुलाजमीन हैं उनको भी बेसिक रनिंग पर 30 जून 2023 वाली उनकी जो बेसिक बुनियादी तनख्वाह है उन पर ये 30% का इजाफा दिया गया है। और ये डियर नाजरीन आपके सामने ये आप देख रहे हैं, और खास तौर पर ये 1 अगस्त 2023 से ये इस पर अमल दरामद होगा। ये अगस्त की जो आप तनख्वाह लेंगे सितंबर में तो ये इजाफे के साथ ही आपको मिलेगी। तो इसके साथ साथ पेंशनर का भी अलहदा नोटिफिकेशन है, वो उसकी तरफ भी आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें डियर नाजरीन, गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब फिनांस डिपार्टमेंट लाहौर 8 अगस्त 2023 को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यहाँ पर ये पेंशनर के लिए है, ग्रांट ऑफ इंक्रीज इन पेंशन टू सिविल पेंशनर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब, और ये 17.5% जो है इनकी पेंशन इंक्रीज की गई है 18/7/2023 से। ये सब्जेक्ट इसका जो गवर्नर ऑफ पंजाब ने इनका किया है, और ये भी 1 अगस्त 2023 से तमाम जो पेंशनर हैं उनको इजाफा मिलेगा 17.5%। और इसके साथ साथ पेंशनर का पहले भी मैं वीडियो में बयान कर चुका हूँ, एक मेरे पीछे वीडियो आपने देखी होगी इंशाल्लाह, तो उसमें मैंने बताया था कि इससे पहले जो मुलाजमीन सरकारी मुलाजमीन रिटायर हो गए थे उनको 5% इनका इजाफा हुआ था, जो 80 साल से कम है, और 80 साल से ऊपर वाले जो पेंशनर थे उनको 20% इजाफा दिया गया था। लेकिन डियर नाजरीन, इसकी मैं खास बात बता दूं, अब जो उनका जो पहले वाला इजाफा है वो विदड्रा कर दिया जाएगा, वो 1 अगस्त 2023 से उनको वो इजाफा नहीं मिलेगा। अब जो इजाफा मिलेगा वो 1 अगस्त 2023 से 17.5% इजाफा मिलेगा, पहले वाला इजाफा उसको विदड्रा कर दिया गया है। तो डियर नाजरीन, 1 अगस्त से जो भी रिटायर्ड होंगे सरकारी मुलाजमीन उनको ये 17.5% का इजाफा है वो नहीं दिया जाएगा। तो पूरी तफसील आपको मैंने बता दी, अपडेट कर दिए। डियर नाजरीन, अगर आपको ये हमारी अपडेट, हमारी नई वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब का रेड बटन आपके बिल्कुल सामने है, उसके साथ बेल आइकन का बटन होता है, जब आप उसको प्रेस करती हैं तो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी और आसानी से आपको मिल जाता है। इससे आपका और हमारा रास्ता हमेशा कैम्प रहता है। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, शाद रहें, आबाद रहें, दो में याद रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।